नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर NTA UGC नेट का आपका जो है पेपर वन पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका नेट सेट JRF के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। KVS मैदान की किताब ये, ठीक है। इस किताब से हम लोग, ये आपका 2021 का पब्लिकेशन का किताब है, ठीक है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का टॉपिक वह है आपका, एक मिनट, देखिए ये आपका 2021 में किताब 2021 में आया था, ठीक है, पब्लिकेशन 2021 का, तो इस KVS मैदान की किताब पियर्सन पब्लिकेशन, ठीक है। इस किताब से हम लोग पढ़ेंगे आज का टॉपिक, ठीक है। तो आज हम कम्युनिकेशन का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम आज पढ़ेंगे, जो भी इस किताब में दिया गया कम्युनिकेशन चैप्टर उसको आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर किया हुआ पहले से, तो कोई बात नहीं, इसको हम एक बार रिवीजन कर पर्पज से बना रहे वीडियो, तो रिवाइज कर लेंगे। अगला जो भी आपका वीडियो बनेगा इस किताब के अलावा, तो उसमें आपका आंसर नहीं होगा, इसमें आपका आंसर टिक किया हुआ, तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन वी से डैट कम्युनिकेशन इज इंटेंशनल इट मीन्स डैट, तो व्हेन वी से डैट कम्युनिकेशन इज इंटेंशनल इट मीन्स डैट द सेंडर कॉन्शियसली इंटेंड्स टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज, ठीक है। द सेंडर कॉन्शियसली इंटेंड्स टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज। क्वेश्चन नंबर टू है, कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, तो कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ऑप्शन नंबर सी मीनिंग। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट फॉर द कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्लोस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्लोस लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, SMCR मॉडल। क्वेश्चन फाइव है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड दैट पीपल नो ईच अदर एंड देमसेल्फ ओनली थ्रू कम्युनिकेशन, तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड दैट पीपल नो ईच अदर एंड देमसेल्फ ओनली थ्रू कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर है जियोर्ज हर्बर्ट मीड ने यह बात कही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली कैन बी लर्न, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है कैन बी लर्न। क्वेश्चन नंबर सेवन है, इफ इट इज अज्यूम दैट, तो इफ इट इज अज्यूम दैट कम्युनिकेशन हैज नो बिगिनिंग और इट देन इट इज टर्म्ड एज प्रोसेस, तो इफ इट इज अज्यूम दैट कम्युनिकेशन हैज नो बिगिनिंग और इट देन इट इज टर्म्ड एज प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर एट है, द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, एसेंशियल कॉम्पोनेट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सोर्स मैसेज इंटरफेरेंस चैनल रिसीवर फीडबैक एंड कॉन्टेक्ट, ठीक है। द एसेंशियल कॉम्पोनेट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सोर्स मैसेज इंटरफेरेंस चैनल रिसीवर फीडबैक एंड कॉन्टेक्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज एप्लीकेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी इरिवर्सिबल। क्वेश्चन आपका टेन है, मैसेज कैन ओनली बी डीम्ड इफेक्टिव व्हेन, तो मैसेज कैन ओनली बी डीम्ड इफेक्टिव व्हेन understood by, ऑप्शन नंबर सी understood by the receiver and produce the desired responses। कुछ आपका 11 है, learning to communicate with others is key to, तो learning to communicate with others is key to, ऑप्शन नंबर सी establishing rewarding relationship, ठीक है, establishing rewarding relationship। कुछ आपका 12 है, during the communication process the message is converted to a symbolic form called, तो during the communication process the message is converted to a symbolic form called, ऑप्शन नंबर बी encoding। क्वेश्चन नंबर 13 है, वंस ऑन डिस्क्रिप्शन एज ए पर्सन इज, तो वंस ऑन डिस्क्रिप्शन एज ए पर्सन इज, ऑप्शन नंबर सेल्फ कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, ऑप्शन नंबर डी डायडिक। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी फीडबैक। क्वेश्चन 16 है, पीपल हु एंगेज इन फ्रैंक एंड ओपन एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग आर कंसीडर्ड, ऑप्शन नंबर सी असर्टिव, तो पीपल हु एंगेज इन फ्रैंक एंड ओपन एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग आर कंसीडर्ड असर्टिव।
क्वेश्चन 16 है लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर इवन वेयर, तो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर इवन वेयर ऑप्शन में भी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लिसिटली स्टार्टेड इन स्टडी इन वर्बल मैसेज। क्वेश्चन 18 है ए हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर इज, तो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर इज वन वेयर मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अनस्पोकन, तो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर इज वन वेयर मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अनस्पोकन। क्वेश्चन 19 है द प्राइमरी चैनल्स यूज्ड बाय इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट विद अदर्स आर, द प्राइमरी चैनल यूज्ड बाय इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट विद अदर्स आर ऑप्शन नंबर डी साइट एंड साउंड। क्वेश्चन 20 एनकोडिंग इज इंपॉर्टेंट टू, तो एनकोडिंग इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर सी प्रोड्यूस मैसेजेस। क्वेश्चन 21 व्हिच ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑप्शन नंबर सी मैसेज नॉइस एंड फीडबैक। क्वेश्चन 22 है वर्ड्स आर, तो वर्ड्स आपका क्या ऑप्शन नंबर सी सिंबल। इमोटिकॉन्स, तो इमोटिकॉन्स आर, तो इमोटिकॉन्स आर ऑप्शन नंबर डी टाइप सिंबल्स दैट कम्युनिकेट फेशियल एक्सप्रेशन, तो इमोटिकॉन्स आर टाइप सिंबल दैट कम्युनिकेट फेशियल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन 24 है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इनकोड मीन्स टू, तो इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इनकोड मीन्स टू ऑप्शन नंबर ए ट्रांसलेट आइडियाज इनटू ए कोड। क्वेश्चन आपका 25 है ए पर्सन इज मोर लाइकली टू यूज आई कॉन्टेक्ट वाइज, ए पर्सन इज मोर लाइकली टू यूज आई कॉन्टेक्ट वाइज ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए इज लिसनिंग, ए पर्सन इज मोर लाइकली टू यूज आई कॉन्टेक्ट वाइज लिसनिंग। 26 है फीडबैक इज, तो ऑप्शन नंबर ए सिचुएशन इन विच द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, तो फीडबैक इज ए सिचुएशन इन विच द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सचेंज देयर इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 27 है लिसनिंग इज सेड टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, तो लिसनिंग इज सेड टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय ऑप्शन नंबर डी द स्पीकर्स फास्ट स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ वर्ड्स मैसेज लोडेड विद टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी आपका सही है, और इम्प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मीडिया। 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज क्लोजली रिलेटेड टू फीडबैक ऑप्शन नंबर सी साइबरनेटिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू फीडबैक। 29 है फीडबैक इज ए लिसनर्स, तो फीडबैक इज ए लिसनर ऑप्शन नंबर सी वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज टू ए मैसेजेस। 30 है व्हेन वी ट्राई टू ऑर्गेनाइज डिटेल्स इन अवर माइंड वी आर सीकिंग टू, तो व्हेन वी ट्राई टू ऑर्गेनाइज डिटेल्स इन अवर माइंड वी आर सीकिंग टू ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन एंड देन कैटेगराइज इट। क्वेश्चन 31 है टू डिकोड ए मैसेज इज टू डिकोड ए मैसेज इज टू ऑप्शन नंबर डी इंटरप्रेट ए मैसेज। 32 है ए मैसेज इज ए सिग्नल दैट सर्विस ए मैसेज इज ए सिग्नल दैट सर्विस ऑप्शन नंबर बी स्टिमुलाई फॉर ए रिसीवर। 33 है द ऑब्जेक्टिव डिफिनेशन ऑफ ए वर्ड इज इट्स द ऑब्जेक्टिव डिफिनेशन ऑफ ए वर्ड इज ऑप्शन नंबर सी डिनोटिव मीनिंग। क्वेश्चन आपका 34 है द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज इट्स द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज इट्स ऑप्शन नंबर डी कॉग्निटिव मीनिंग। 35 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन फीडबैक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन फीडबैक ऑप्शन नंबर सी वर्बल एंड नॉन वर्बल रिसीवर रिस्पॉन्सेज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन फीडबैक वर्बल एंड नॉन वर्बल रिसीवर रिस्पॉन्सेज। क्वेश्चन आपका 36 है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द टर्म क्रोनिमिक्स इज यूज फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस, तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द टर्म क्रोनिमिक्स इज यूज फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज ऑप्शन नंबर सी टाइम। क्वेश्चन नंबर 37 इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस ए रिसीवर, तो इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस ए रिसीवर ऑप्शन नंबर बी डिकोड से मैसेजेस, तो इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस ए रिसीवर डिकोड से मैसेजेस। 38 है एंड एग्जांपल ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल, तो एन एग्जांपल ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल ऑप्शन नंबर सी फेस टू फेस कन्वर्सेशन। क्वेश्चन 39 है द वे वन इंटरप्ट्स इंफॉर्मेशन एंड अराउंड वन सेल्फी, तो वे वन इंटरप्ट इंफॉर्मेशन एंड अराउंड इन वन सेल्फी ऑप्शन नंबर सी रिलेटेड टू वंस वैल्यूज बिलीव्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। 40 है लिसनिंग, आपका लिसनिंग क्या ऑप्शन नंबर है लिसनिंग में भी ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेनी स्टेप, तो लिसनिंग में भी ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेनी स्टेप। 41 है द रिस्पॉन्डिंग स्टेप ऑफ लिसनिंग, द रिस्पॉन्डिंग स्टेप ऑफ लिसनिंग ऑप्शन नंबर सी कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। कुछ आपका 42 है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल ऑप्शन नंबर ए एक्टिव लिसनिंग। 43 है ए टेक्निक दैट माइट बी यूज्ड बाय एन एक्टिव लिसनर, तो टेक्निक दैट माइट बी यूज्ड बाय एन एक्टिव लिसनर ऑप्शन नंबर ए पैराफ्रेसिंग द स्पीकर्स मीनिंग। कुछ आपका 44 इफेक्टिव लिसनिंग, तो इफेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड ऑप्शन नंबर डी कंफर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैसेज, तो इफेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड कंफर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मे मैसेज। 45 नंबर क्वेश्चन है ए क्लासिफिकेशन ऑफ ए बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड, तो ए क्लासिफिकेशन ऑफ ए बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर डी काइनेस्टिक्स। क्वेश्चन 46 है मूवमेंट्स ऑफ द फेस दैट कन्वेस इमोशनल मीनिंग्स आर कॉल्ड, तो मूवमेंट्स ऑफ द फेस
डेट कॉन्वे इमोशनल मीनिंग सर्कल, ऑप्शन नंबर ए डिस्प्ले। 47 है टच इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, तो टच इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ऑप्शन नंबर सी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, नोडिंग, आई कॉन्टेक्ट, सीकिंग क्लैरिफिकेशन। 49 है इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज सक्सेसफुल व्हेन, तो इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज सक्सेसफुल व्हेन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन आपका 50 है एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर, तो एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर, ऑप्शन नंबर डी हैंडसम पर्सनालिटी, तो एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर हैंडसम पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 51 है वन विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर विथ वन, तो वन विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर विथ वन इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वन कम्युनिकेट्स, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 52 है इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल मेक्स द रिसीवर, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल मेक्स द रिसीवर, ऑप्शन नंबर डी थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 53 है कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव, तो कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव, ऑप्शन नंबर डी इफ इट रीचेस द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। क्वेश्चन आपका 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड यू कंसिडर फर्स्ट फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड यू कंसिडर फर्स्ट फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 55 है विच इज फीडबैक इन न्यूज पेपर कम्युनिकेशन, तो विच इज फीडबैक इन न्यूज पेपर कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी लेटेस्ट टू द डिटेल। क्वेश्चन 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सक्सेसफुल कम्युनिकेटर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सक्सेसफुल कम्युनिकेटर, ऑप्शन नंबर सी वन हु नोस ए लॉट बट इज समवट रिजर्व इन हिज और हर एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 57 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव बाई, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, मेकिंग द अटेंशन फुली पेड, मेकिंग द कम्युनिकेटेड मटेरियल नोबल इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड एंड मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 58 है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इनहांस्ड थ्रू, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इनहांस्ड थ्रू, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, बिलोंगिंगनेस, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ मीटिंग्स एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 59 है टू वे कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव, तो टू वे कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव ऑलवेज, ऑप्शन बी ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 60 है इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, ऑप्शन नंबर बी द मैसेज डिजाइन इनकॉर्पोरेट एट ऑडियंस, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद द मैसेज डिजाइन इनकॉर्पोरेट ऑडियंस। क्वेश्चन 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ऑफ द स्पीकर, ठीक है। तो ये आपका कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ऑफ द स्पीकर, दिस इज रॉन्ग। अब इसका हम कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो इस वीडियो का, इस चैप्टर का आपका पार्ट नंबर 2 कल पढ़ेंगे, कैप्चर नंबर 62 से। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।